माननीय सभापति महोदय बिराजिए, श्री चंद्रवान सिंह बिराजिए, बिराजिए 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 माननीय सदस्य बिराजिए, प्लीज प्लीज बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 राइट टू हेल्थ बिल लेके आई सरकार, जिस प्रकार कोविड काल निकला है पिछले 2 साल का 3 साल का, उसमें जिस प्रकार का डॉक्टरों ने काम किया है, नर्सिंग कर्मचारियों ने काम किया है, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने काम किया है, उसका नतीजा यह निकला है। अच्छा काम करने का धन्यवाद उनको, उन डॉक्टरों को दे रही है सरकार, उन हॉस्पिटलों को दे रही है जिनके पास आज डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार की मारपीट हुई है। पूरे राजस्थान में डॉक्टर हड़ताल पे हैं और डॉक्टरों के साथ वो पुलिस ने बहुत ज़्यादा मारपीट करी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि जब सहकारिता मंत्री थे, जब मैं कोऑपरेटिव अध्यक्ष था, पर सोच सकता हूँ मंत्री जी के पीछे सिर के ऊपर पानी निकल गया और सीएम साहब मान ही रहे हैं। मेरा तो सभापति महोदय, इसमें कम से कम 50 बेड का प्रावधान रखे मंत्री महोदय, कि कम से कम हॉस्पिटल 50 बेड का हो, उसी के लिए ये लागू हो। जिस प्रकार राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है, कहाँ नर्सिंग कर्मचारी नहीं है, कहाँ GNM की नहीं, NM नहीं है, बहुत से CSA खाली है, बहुत से PSA खाली है। मेरा जिला हेडक्वार्टर चित्तौड़गढ़ पर कम से कम 70% या 60% पद खाली है, उनको एक बार भरे, क्योंकि आदमी मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाता है। जिस प्रकार चिरंजीवी की आप बात करते हैं, क्योंकि चिरंजीवी की आप बार बार बात करते हैं और काफ़ी उसको बढ़ चढ़ के बातें करी, बजट में भी आप लोगों ने काफ़ी घोषणा करी, पर आज चिरंजीवी की स्थिति मंत्री महोदय यह है, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो चिरंजीवी के तहत उस हॉस्पिटल में उसे ढंग से बात नहीं करते हैं, ढंग से उसे बात करने के कतराते हैं। जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो कहीं कहीं छोटा मोटा बात करके उनको इलाज करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का इलाज क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप एक बार बैठें, एक बार आप चर्चा करें कि उन हॉस्पिटलों में इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आम आदमी दुखी है। आप लोगों ने उसके लिए भी फ्री पर इलाज हो नहीं पा रहा है, उसके बारे में आप सोचें मंत्री महोदय, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। जिस प्रकार की हॉस्पिटलों में, कोटा में नवजात शिशुओं की मौतें हुई है, जिस प्रकार कुत्ते उठा के ब्लड ले जा रहे हैं, जिस प्रकार की स्थिति बिगड़ी है, उसमें भी कहीं कहीं आप कंट्रोल करें, कैसे न कैसे उन हॉस्पिटलों में पाबंद करें, सिक्योरिटी बढ़ाएं, उस प्रकार के बारे में आप सोचें। माननीय, जिस प्रकार की राजस्थान में 108 एम्बुलेंसें थी, उनकी आज हालतें बहुत खराब है, बहुत ही स्थिति खराब है। मेरे वहाँ भी चित्तौड़गढ़ में भी, जिले में भी 108 के नाम से जो एम्बुलेंसें थी काफ़ी पुरानी है, उनको वापस नहीं लगवाएं, कैसे क्या करें उसके बारे में भी सोचें। जो एम्बुलेंसें हम लोगों ने MLA फंड से दिए या सरकार ने जो भेजी है, उनमें ड्राइवर या प्रॉपर वे में स्टाफ नहीं है, उसके बारे में भी एक बार मंत्री महोदय सोचकर, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचकर उनको एम्बुलेंसों को कंटिन्यू चलाएं। जो PSC आप नहीं खोली है, उन पर भी आप स्टाफ लगाएं, क्योंकि प्रॉपर में वहाँ इलाज होगा तो 100% इस बिल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी तो आप लोगों से विनती है, जिस प्रकार का आपने ट्रोमा फैसिलिटी के बारे में घोषणा कर दी, पर ट्रोमा फैसिलिटी के बारे में भी वहाँ स्टाफ नहीं है, जिस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा करें। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में आप शराब नीति लाएं, गुटखा की नीति लाएं और इनको राजस्थान में बंद करें, तो ऐसी छोटी मोटी जो बीमारी हो रही है वो बीमारी नहीं होगी। और 100% कहीं कहीं जिस प्रकार का गुजरात में शराब बंद है, इस प्रकार की राजस्थान में आप शराबबंदी करें, तंबाकू का बंद करें, गुटखा बंद करें, इस प्रकार का करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस प्रकार की मेडिकल कॉलेज में इलाज होता है और कहीं कहीं
राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की सेवाएं आप कर रहे हो, राइट टू हेल्थ वाला, उन वहां लागू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लागू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटे हॉस्पिटलों के लिए आप कहीं ना कहीं जो सोचे जरूर। और जिस प्रकार की डॉक्टरों की पूरे राजस्थान में मांग है और जिस प्रकार की यहाँ बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोच कर जरूर करें, क्योंकि मोदी जी ने, एक मिनट सभापति, एक सेकंड, जिस प्रकार की आप मोदी जी को भी धन्यवाद दो कि मोदी जी ने वैक्सीन लाया और यह कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाया, इस बीमारी की कंट्रोल हो पाया, तो आपको बिल लाने का मौका भी मिला। और मोदी जी को एक बात की धन्यवाद और दो, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में मेडिकल कॉलेज खोले हैं, चित्तौड़गढ़ में भी हमारा मेडिकल कॉलेज खोला है, 60% पैसा केंद्र सरकार का है। कभी भी आप लोगों ने यह धन्यवाद नहीं दिया कि मोदी जी आपको धन्यवाद कि जिला हेडक्वार्टर पर आपने, हर जिले हेडक्वार्टर पर हमने मेडिकल कॉलेज दिया है। और मैं आज इस सदन के माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चित्तौड़गढ़ में भी आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया और वो मेडिकल चालू होने आया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं तो आपसे, सभापति महोदय, इसको 6 महीने के लिए आप प्रवर समिति को भेजें और जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए आप भेजें, ऐसा। धन्यवाद।